नाजरीन, आज शहीद मुनीर पाकिस्तान का वो शहीद है जो जिसने चलते हुए ड्यूटी में कवर किया और शहादत को मिली। लाड़काना शहर में जैसे शिकारपुर है, सखर है, भोटकी है, नसरुल्ला देखो शहीद हुआ है, वो भी सरदारों ने शहीद किया है उसको, अभी भी गिरफ्तार कर लिए। जान मोहम्मद महर है इरफान, उसके जवाबदार गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो आज प्रेस क्लब कराची में सारे साथियों ने आज एहतजाज किया है और मुतालबा किया है तो जान मोहम्मद महर के और नसरुल्ला के जवाबदार गिरफ्तार किए जाए। और मेरा चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस जो भी ये कोर्ट ने हमें इंसाफ दे दी है, बाकी ये पुलिस जो है इंतजामिया है, सिंध हुकूमत है, वो हमें इंसाफ नहीं देती है। आज उस शहीद की वर्षी थी, आज 18वीं वर्षी शहीद मुनीर को 18 साल गुजर गए हैं, पर वो अभी तक इनको, उनके बेवा को, उनके भाइयों को कोई इंसाफ नहीं मिला है, नहीं उस सिंध हुकूमत ने कोई काम किया है। आज ये उनकी वर्षी है तो मैं उसके शहीद मुनीर के वर्षी पे अपील करूँगा, तो उनके साथ जाएंगे। सिंध हुकूमत की जिम्मेवारी है, वजीर आला की जिम्मेवारी है, मिनिस्टर की जिम्मेवारी है, तो ये उनके साथ शहीद साथ इंसाफ करेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी, ये कराची में जो प्रेस क्लब में एहतजाज होगा उसको जरूर सुनेंगे, इंसाफ करेंगे। शहीद साहबियों के कातलों को, शहीद साहबियों के कातलों को, मुनीर सांगी के कातलों को, नसरुल्ला के कातलों को, अजीज मेमन के कातलों को, शान डार के कातलों को, जान मोहम्मद के कातलों को, शहीद साहबियों के कातलों को। अदा आप क्या कहेंगे अरबाब चैनल, ये जो इतने साहब शहीद हो रहे हैं और कोई कानून उन पे हरकत नहीं आ रहा है, तो क्या कहेंगे आप? जालिम बोतारों, पाथारीदारों, उनके सहूलत कारों पर पहले तो लानत हो और उन लोगों पर भी लानत हो जिन्होंने अभी तक हमारे ये जो शहीद हैं जिनके फोटो हमारे इस वक्त सीनों पे है, उनके कातलों को गिरफ्तार नहीं किया। मैं समझता हूँ कि बात यहाँ रुकेगी नहीं, आदी सांगी शहीद मुनीर सांगी के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है। 18 साल से हमारे कई जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन जालिमों को कोई तरस नहीं आ रहा क्योंकि उनकी पुष्पलाई की जा रही है। जालिम भोतार और उनके पाथारीदारों पर शेम शेम शेम। पीपल्स पार्टी अब तक नहीं गई है, किसी साहब ही अभी इतना बड़ा साहब वोट टीम शहीद हुआ है तो उनके घर पे भी नहीं गए, कोई गवर्नमेंट का बंदा नहीं गया, तो क्या है? हम पार्टियों से बलातर है, हम ये नहीं करते कि फिलहाल पार्टी गई या नहीं गई, हम ये नहीं कहते वो गया या नहीं गया, हम अपने समाज में जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। हम शहादत किसी पार्टी की वजह से थोड़ी अदा कर रहे हैं, हम अपने कलम की जो हुर्मत के लिए कर रहे हैं, और नसरुल्ला ने भी कलम की हुर्मत के लिए किया, जान मोहम्मद ने भी किया, शहीद मुनीर सांगी ने भी किया, अजीज मेमन ने भी किया, शान डार ने भी किया, और शायद अभी किसी और का नंबर आएगा। इसके लिए नहीं कर रहे हम, आप और अपनी तहफ़ समाज की आज़ादी और हक सच के लिए जदोजहद करें, कोई पार्टी आए या जाए हमें क्या फर्क पड़ता है, पार्टी से हमारा ताल्लुक नहीं है। हम सर ये क्या है, हमारे सिंध में कितने साहब शहीद हो गए हैं तो ये क्या होगा, हम इत्तेजाद करते रहेंगे, ये मुजाहरे करते रहेंगे तो क्या है? ये हक मौजूद, ये मेरे सोने सिंध का नारा है, ये तो पूरे कायनात का, लेकिन हम सिंधी हक मौजूद का नारा लगाते हैं और ये सब कुछ हो रहा है हक और सच को दबाने के लिए हो रहा है। हक भी मौजूद रहेगा, सच भी मौजूद रहेगा और हम साहब भी हक और हक बोलते रहेंगे, सच लिखते रहेंगे। मुनीर सांगी हो, हमारा चांद डहर हो, हमारा अजीज मेमन हो, अजय लालवानी हो, नसरुल्ला गडानी हो, जान मोहम्मद मेहर हो,
एक हमारा प्लोई जो भी हो, ये सब सच और हक की खातिर इनको शहीद किया गया। और अभी जो आप एक बात कह रहे थे, हमारा ताल्लुक जो भी जालिम है, मैं इसको ये भी कहता हूँ कि बोहतार का लफ्ज जो है वो गंदा लफ्ज नहीं है, बोहतार हमारे सर का ताज है। लेकिन जो बोहतारी की आड़ में जो गड़बड़ करे, जुल्म करे, हमें उसके ऊपर बात बोलना चाहिए। बोहतार लफ्ज के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। जो बोहतार बन के कुछ और जुल्म करता है, हमें उसके खिलाफ बात करनी चाहिए। उसकी आड़ में कोई वडेरा हो, कोई जागीरदार हो, कोई मीर हो, कोई पीर हो, हम उसके खिलाफ, उसको फिर हमें बोहतार नहीं कहना चाहिए। वो बोहतार हो ही नहीं सकता। जो जुल्म करेगा वो बोहतार हो नहीं सकता। सब अब तक हमारे तकरीबन पुलिस आईजी को 18 साल हो गए, गुज़श्ता 18-20 साल के अंदर हमारे 31 साफियों को शहीद किया गया है। और एक और साफी था हमारा वली मोहम्मद बाबर, जिसको कराची में शहीद किया गया था, सिर्फ उसके कातिल गिरफ्तार हुए, मगर उन्हें भी सजा ऐसी नहीं मिली। बाकी तो किसी को गिरफ्तार ही नहीं किया गया। सबके पीछे कोई ना कोई नाम आता है, कोई ना कोई सियासी बड़े नाम की बात आती है, तो ये तो जिम्मेवार है। मैं ये समझता हूँ कि अगर सूबाई इदारे नाकाम है तो वफाकी इदारों को तो काम करना चाहिए, वो क्यों नहीं काम कर रहे? और लेके अगर वो बोले हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो किसकी जिम्मेदारी है भाई? आप क्या इस मुल्क के निगहबान नहीं हो? क्या आप हमारे आवाम के तहफ्फुज़ के जिम्मेदार नहीं हो? अगर नहीं हो तो अस्सलाम वालेकुम भाई, खुदा हाफिज़ आपको भी। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू, थैंक यू। तो ये देखो साहब, ही रोजाना रोज शहीद हो रहे हैं, ये जो सरदार है, ये जो पी रहे हैं, हम सिंधी में बात करेंगे, ये उर्दू से नरेंद्र मोदी चलेगा। हमारी बात ये है कि हमारा पार्टी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। जो भी सिंधु के हकूक के लिए जो भी बात करता है, उनको चाहे सहाफ़ी हो, चाहे कोई सिंधु के हकूक के लिए सियासतदान बात करता है, उसको शहीद किया जाता है। ये क्या वजह है? ये हुकूमत को पता नहीं है? जैसे ये शहीद जिसके लिए हम खड़े हैं, ये सिंध के हुकूक के लिए, सिंध के मजलूम आवाम के लिए बातें करता है, तो उसको शहीद कर दिया जाता है। जैसे डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो को शहीद किया गया, वो भी सिंध के हुकूक के लिए शहीद किया गया। मीर इल्ताफ खान भयो को शहीद किया गया, उसको भी जो है सिंध के हुकूक के लिए, मतलब ये बातें कर रहा था, और सिंधियों के लिए, गरीब मजलूम आवामियों के लिए जो भी बात करता है, उसको शहीद किया जाता है। ये क्या वजह है? ये हम हुकूमत से पूछना चाहते हैं। भाई साहब, आप क्या कहेंगे, ये जो आपने लाड़काना में काम किया है, गैर ये वो सरदार, वो पुलिस इंतजामिया, ये क्या है जो साहब शहीद हो रहे हैं, कोई एक्शन नहीं उठा रहा है? असल वजह ये है कि जो लुटेरे हैं, सरदार हैं, वही सरकार को शहीद करते हैं, तो इसलिए जो उनके जवाबदार हैं वो भी गिरफ्तार नहीं होते हैं। ये सिंध गवर्नमेंट के उनके हाथ है, सिंध गवर्नमेंट का, सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि जो हक की आवाज़ उठाएगा उनको ही कत्ल किया जाएगा। हमारे साहबी जानव महर है या मनी सांगी है और दूसरे शानदार है, दूसरे साहबियों को कत्ल इन्होंने करवाया है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट है। गवर्नमेंट चाहती है जो हक का साहबियों का उनको कत्ल करेंगे, ये जवाबदार इसलिए गिरफ्तार नहीं हुआ। मेरा नाम फयाज़ कुरैशी है और मैं इस वक्त कराची में ब्यूरो चीफ हूँ सिंध टीवी न्यूज़ कराची में, और एज ए एंकर पर्सन और इन्वेस्टिगेशन सेल के इंचार्ज के तौर पर यहाँ उसका दो दहाई से सहाफत कर। ये क्या है हमारे सिंध धरती में, ये सहाफ़ियों को सरेआम शहीद कर देते, इंतजामिया जो पुलिस है वो वडेरों की, सरदारों की गुलाम लगी पड़ी है, तो हमें इंसाफ नहीं। अदलिया में भी जाओ तो अदलिया भी 14-14 साल 15-15 साल जो है आदमी उनके पीछे केस के लग के अपनी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो ये हम साफ ही है, कलम वाले हैं, तो हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे हम? देखिए, आपने मशहूर कॉल सुना होगा प्राइम मिनिस्टर अमेरिकन का, अमेरिकन ने वो माशरा ब्रिटिश के, कि वो माशरा जहाँ इंसाफ हो वो माशरा फलता फूलता है, जहाँ इंसाफ ना हो वहाँ वो माशरा तबाह होता है। बरतानिया के खिलाफ जंग हो रही थी तो वज़ीर आज़म ने कहा कि जाएँ देखे हैं कि अदालतें इंसाफ कर रही हैं या नहीं।
तो उसे बताया गया कि अदालतें अपना काम कर रही हैं, लोगों को इंसाफ मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि इंसाफ जब मिलता रहेगा तो उस मुल्क को कोई ख़तरा नहीं होगा, वो रियासत महफूज आती होगी, क्योंकि रियासत से वो लोग खुश होते हैं जिनको इंसाफ मिलता है, उनके साथ फौरी इंसाफ होता है। हमारे पास बदकिस्मती ये है कि हमारा अदालती निज़ाम उसमें बड़े और हैं। कई चीफ जस्टिस आए, वो जब अपने खिताब करते हैं बाहर से तो वो इंसाफ की बातें करते हैं और अदालती जो निज़ाम है उसके हवाले से भी बातें करते हैं, क्योंकि बदकिस्मती से देखा जाए अदालती जो मुंतज़िम होते हैं वो या हुक्मरान, चाहे वज़ीरे आज़म हो चाहे सदूर हो जो भी हों, जब वो इक्तदार हासिल होता है तो इक्तदार के बाद उनकी तरजीहात कुछ और हो जाती हैं, उनकी मजबूरियाँ कुछ और हो जाती हैं, वो मुल्क के निज़ाम जो है उसको सुधारने की बात नहीं करता। बदकिस्मती से सियासी अखाड़ पछाड़ इस तरह होती है कि जब इक्तदार में पार्टियाँ आती हैं तो वो एक दूसरे के खिलाफ नबर्द आत्मा होती हैं और आपस में एक दूसरे के खिलाफ झगड़े इस तरह की सुल्तान चलती रहती है। अब आपको मैं मिसाल दे दूँ, खान साहब की हुकूमत थी तो वो कहते थे कि मैं चोरों को लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा, जरदारी साहब थे वो कहते थे कि मफामत से रहना चाहिए, मुल्क के मसायल को समझना चाहिए, मगर उस बात पर इतफाक़ नहीं होता था। तो ये सियासी रशा कशी और अदालत के जो निज़ाम हैं उनकी अदम बेहतरी जो है वो माशरे को ख़राब करती है। आपको मैं मुनीस आगी का मिसाल दे दूँ, 18 साल एक नौखैज जवानी, एक बच्चा पैदा होता है तो वो नौजवान हो जाता है, जब वो नौजवान होता है तो उसका मतलब ये है कि उसका शनाख्ती कार्ड में इतनी उम्र तक अगर कोई इंसाफ के लिए तड़पता रहे, मुनीस आगी को इंसाफ़ न मिले। हाल ही में नसरुल्ला गिलानी का वाक़िया हुआ है और इसी तरह जान मोहम्मद महर हैं या अमीर बख्श बरोही हैं, वो लोग जो है उनको इंसाफ नहीं मिला। बहरहाल अब ये जिम्मेदारी हमारे इदारों की भी है कि उन चीज़ों को फॉलो करें और उसके बाद हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज से 16 साल पहले जब ये आप चौथा सिंध में इकतदार है और वफाक में दूसरी मरतबा सदर साहब भी हैं, 18वीं तरमीम के ज़रिए उन्होंने अपने पहले दौर में बहुत सी अच्छी चीज़ें की, दीवाल किया कानून को कवानीन को, मगर जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं लाई जा सकी हैं। तो जो भी मामला होता है साहबों के साथ हो या शहरी के साथ हो, हम साहबी दुनिया जहाँ के केस सामने लाते हैं मगर हमारे केस लड़ने के लिए वकला तो दूर हाजिर होते हैं, मगर हम इंसाफ के लिए तड़पते रहते हैं। तो ये बदतरीन किस्म की ज़्यादती है। एक तो अदालती निज़ाम का सुधार होना चाहिए ताकि जो मुकदमात होते हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। अब 18 साल तक अगर कोई अदालत कोई फ़ैसला ना कर पाए, मैं आपको लवारी शरीफ का वाक़िया बता दूँ, वहाँ पर उस वाक़े में मजहबी मामला था, फसाद था, कितने लोग शहीद हो गए थे। 30 साल गुजर गए, तीन अशरे के बाद यानी चौथे अशरे में जब इंसाफ हो और फैसला हो, यानी दो नस्लें जो हैं वो उलट जाएँ, बुजुर्ग ख़त्म हो जाएँ, वो झगड़े के इंसाफ के मुतलाशी लोग अगर वो मारे जाएँ मर जाएँ तो फिर बाद में इंसाफ मिले तो किसी काम का नहीं होता है। तो मुनीर सांगी के साथ भी जो कुछ हुआ है, अब 18 साल के बाद भी अब वो उनके कातिल जो है वो आज खुद अपनी तिबई मौत मर गए मगर इंसाफ का बोलबाला नहीं हुआ, सजा नहीं मिली। जान मोहम्मद महर के हवाले से भी साल करीब आने इस सूरत में जब उनके कातिल गिरफ्तार ना हो, गलत हो या सही हो माशरे के फैसले लगे, मगर अदालत में जब मामला आते हैं जो गलत है तो उसका वो इदराक अदालत को करना चाहिए। दुनिया में कुछ इदारे ऐसे होते हैं जिस पर हम बात नहीं कर सकते, जिस तरह अदलिया होती है, जिस तरह फौज होती है, इस तरह के कुछ इदारे होते हैं उनका एक बड़ा टेम्पू होता है, उनकी इज्जत एहतराम होती है, तो उस इज्जत एहतराम को बरकरार रखना चाहिए ताकि लोगों को मसर जो है उड़ाने की नौबत ना पहुँचे। जब ज़ाहिर इंसाफ नहीं मिलेगा लोग इंसाफ के लिए दौड़ेंगे, शिकायतें करेंगे और फिर सुल्तान में तमाम मामला जब आगे बढ़ते हैं तो फिर एक तमस्कर की सुल्तान पैदा होती है, उस सुल्तान में लोग जो है वो अदलिया के ख़िलाफ़ तनकीद भी करते हैं, फिर वो कहा जाता है कि लोग तनकीद करते हैं, तो उस तरह की नानसाफियाँ जो होती हैं उनको रोकने की जरूरत। काशिफ कुरैशी ये जो जर्नलिस्ट जैसे आज मुनी शहीद की वर्सी थी आज, तो ये ऐसे वर्सियाँ मलाते रहेंगे, साहब शहीद होते रहेंगे, कोई उनका सहारा नहीं बन रहा है, क्या करेंगे हम? देखिए, इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये बहुत शर्मनाक हरकत हुई है। सहाफ़ियों को इस तरह कत्ल किया जा रहा है, हक को बातिल मिटाने की कोशिश कर रहा है जो कभी नहीं हो सकता, और ये शहादतें आपको पता है हमारे तमाम इदारे दे रहे हैं, लेकिन सहाफ़ी भी पीछे नहीं है, क्योंकि मैं भी खुद एक जर्नलिस्ट हूँ और सहाफ़ी हूँ,
मैं भी रिपोर्टें बनाता हूँ, क्राइम के ऊपर काम करता हूँ, और क्राइम और जराइम को जो बेनकाब करते हैं साफ़ी, अक्सर उनके साथ यही हुआ है कि वो क्राइम वालों की गोली का निशाना बने और उनको शहीद किया गया है। और मैं कहता हूँ कि मुनीर बहादुर और नाडर साफ़ी था, और ये इंशाल्लाह याद रखा जाएगा। और मैं एक जितने भी साफ़ी हमारे, चाहे वो प्रेस क्लब के हों, चाहे पाकिस्तान भर के साफियों को, मैं यही पैगाम दूंगा कि आज आपने मुनीर के साथ खड़ा हो, तमाम साफ़ी मुनीर के साथ खड़े हो जाएं। ये कत्ल लायक है जो किया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत है। इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट अभी तक एक्शन नहीं ले रही। जिस तरह कच्चे के डाकू हैं, कच्चे के बदमाश हैं, वो बदमाशियाँ कर रहे हैं, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। क्योंकि साफ़ी इतनी कुर्बानियाँ देते हैं, तशद्दुद का निशाना बनते हैं, हमारे जितने इदारे हैं इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे। आज तक एक साफ़ी के कातिल को नहीं पकड़ा इन्होंने, इतना अर्सा हो गया। ये मेरे साथ उनके वालिद बेटे हैं शहीद मुनीर के, मैं इनकी अजमत को सलाम पेश करना चाहता हूँ कि इनका बच्चा इतना बहादुर था और उसमें सच कहने की इतनी आदत थी, वो ना डरता और सच कहने से डरता नहीं था, यहाँ तक कि उसने गोली भी खाई, शहादत दी। तो ये ऐसी शहादतें रायगा नहीं जाना चाहिए, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, ताकि जो लोग ये समझते हैं, जो गलत करते हैं, लोगों को मारते हैं, कत्ल की धमकी देते हैं और साफियों पे तशद्दुद करते हैं और उनके ऊपर कातिलाना हमले करते हैं, उनको हमारे जितने भी सिंध पुलिस के इदारे हैं, जितने भी हमारे दिफाई इदारे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि उनको पकड़ा जाए, शिकंजे के अंदर लाया जाए, उनको सज़ा दी जाए, और ऐसी सज़ा दी जाए, ऐसा इबरत का निशान बनाया जाए कि वो किसी साफ़ी को आज के बाद ना जर्दोकोप कर सके और ना उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा सके। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, मैं शाना बशाना हूँ, ये शहीद के वालिद मेरे साथ बैठे हैं, मैं उनके साथ, मुनीर के साथ और उनकी पूरी फैमिली के साथ हूँ और रहूँगा इंशाल्लाह। मेरी जहाँ मदद की जरूरत पड़ेगी मैं इनके साथ हूँ, रहूँगा। और मेरा यही मानना, यही कहना है कि तमाम साफ़ी जितने हैं वो सब एक पेज पर आ जाए, इस वक्त एक सच, ये जो ग्रुप बन गए हैं, देखो ना हर जगह पे ग्रुप बने हुए हैं साफियों के, तो उसमें केस खराब होते हैं। देखिए अगर ग्रुप बने हुए हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि हमारी ज़ातियात अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ पर एक कत्ल का मामला है, ये मामला बहुत बड़ा है, किसी को कत्ल कर दिया जाए नाहक और सच दिखाने पर, सच बताने पर, ये तो इंसाफ वाली बात नहीं है। तो जितने लोग ग्रुप बनाकर बैठे हैं, जो साफ़त करें अपनी जगह पर करें, मगर भाई कल कोई तुम्हारे साथ हो सकता है, आज अगर मुनीर शहीद हुए तो कल आपको भी शहीद किया जा सकता है, तो उस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है, तो सोचने की जरूरत है। हम यकजा हो जाएँ, अपने जो भी हमारे ज़ाती रंदीशें, ज़ाती मसाइल हैं, वो एक तरफ रख के, बालाकार रख के, हम एक 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 पेज पर सारे मौजूद हो जाएँ, सब एक पेज पर आ जाएँ। जी, मेरा नाम टीएम कोपर है, सन टीवी इन्वेस्टिगेशन सेल में बायसियत रिपोर्टर हूँ, एक्सक्लूसिव साइड है मेरी, सन सेक्रेटेड और पुलिस इन पाकिस्तान बैठे हैं। तो ये क्या है, आपने लाड़काना मुद्दूटी की है और कराची माँ के अभी रिपोर्टर हो, तो ये क्या है, ये जागीर राना सिस्टम, ये वडेरे, ये सरदार, ये पुलिस देखो कैसे जुल्म कर रही है साफियों को, कैसे नहीं सही नमूने से कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम साफ, कहाँ जाएंगे, ऐसे साफ ही मारे जाएंगे बस। जी बिल्कुल हादी बच्चे, आपको पता है हम आज एक साथ रहे हैं, जैसे लाड़काना के बाद में कोटिया गया हूँ, कोटिया के बाद में कराची आया हूँ, तो जिस तरह आपने कहा मुनीर सांगे की बात की, उसकी आज वर्सी थी, तो 18 साल उसको हो गए हैं उसकी शहादत को, तो हम उसकी वर्सी मना पा रहे हैं, उसके बच्चे हैं, बीवी हैं, उसकी देखभाल के जितने भी वायदे हुए वो वफा नहीं हुए। इसी तरह नसरुल्लाह गडानी शहीद हुआ है रिसेंटली, तो उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, सिविल सोसाइटी आवाज़ उठा रही है, लेकिन ये पुलिस की तरफ से या सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इस तरह का कोई तकड़ा कोई फैसला या अमल नहीं हुआ। हालांकि सिंध असम्बली में हमने आवाज़ उठाई थी, तो मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब ने भी इसी तरह वायदे किए थे, जिस तरह मुनीर सांगी के हुए थे, या इससे पहले जो मर साहब थे उसके लिए हुए थे। ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा है, और ये सरदार इनके पीछे अगर आप जाएँ ना, पुलिस को पता है सारा, तो ये सारा सरदार वडेरों के ऊपर ही रास्ता निकलता है, उनके घरों पर जाता है हमारे, तो हमारी तो किस्मत यही हो गई है कि हम काम करें और इसी मौत का इंतज़ार करें कि भाई आए हमें मारें, और बस हमारा कैसे यही चलता रहे। अदलिया क्या कर रही है, पुलिस तो वैसे ही जुल्म कर रही है, अदलिया क्यों नहीं, जुडिशल क्यों नहीं कर रही है साहब? देखें ये बिल्कुल हमने इस पर भी मैंने रिसर्च किया हुआ है, जितने भी साहब ही शहीद हुए हैं,
तो उनके जो केसेस जाते हैं पुलिस थाने पे वहाँ ख़राब कर दिए जाते हैं, तो फिर ये हमारे कानून साजी का अमल जो है इसी में ख़राब हो जाता है। फिर वो जज साहबान हैं उनको देखते हैं, उनके गवाहान मुख्यदार जो होता है गवाहान का होता है, वो गवाहान की अदम दिलचस्पी मेरा ख्याल कम में है, या उनको ख़रीद लिया जाता है या उसको टारगेट कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से अदालतों में ये इंसाफ थोड़े जो है बहुत मुश्किल मराइल में चला जाता है। और क्या पैगाम होगा अभी? मेरा यही पैगाम है कि ऐसे सहाफ़ी जो दिलेर सहाफ़ी हैं काम करते हैं इसको करप्शन के खात्मे के लिए, या आपने जो ड्यूटी दौरान वो अपने शहीद हो जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त करे। अगर वो शहीद भी हो जाते हैं तो उनके घर वाले जो जैसे बीवी हो गई या क्या बच्चे हो गए उनकी देखभाल के लिए कोई कानून साजी कर लें, ताकि उसको बार बार ऐलान करके ना मुकरना ना पड़े। ये मेरा ये जो मुसाफी सहाफ़ी हैं जो वडेरे जहाँ कोई जगह खाली होती है उनको कार करके देते हैं जाके रिपोर्टर बन के, या जो गुलामी करते हैं सहाफ़ी, तो उनको उनके लिए क्या होगा? जी आपका कहना, ये एक बड़ी कहानी है। ये तो हम इसको बस क्या कहेंगे, इसके लिए तो बहुत अल्फाज होते हैं। तो ये वडेरों की तरफ से जो लोग आते हैं आके बैठ जाते हैं कि जाके सहाफ़ी बने, उसके लेकर गुलामी करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, तो उसकी ये सहाफ़ी तो ना हुए तो ज़बरदस्ती के सहाफ़ी होते हैं, उनके लिए यहाँ भी मुश्किल होती है, वहाँ तो मुश्किल नहीं होगी लेकिन सहाफ़त में ज़रूर मुश्किल होती हैं। इस तरह के लोगों के लिए यही मैसेज है कि वो यहाँ ना आए हमारे पास, और उनकी वडेरों के पास सरदारों के पास ही गुलाम बन के रहें तो वो चले। नाम मेरा अब्दुल मुकीम है, कास्ट सांगी है, शहीद मुनी सांगी के टी एम कैमरा मैन था, उसके मैं चाचा हूँ, चाचू मेरे बड़े भाई का बेटा था, बहुत मुस्लमान सहाफ़ी था, पूरी दुनिया में ऐसे सहाफ़ी नहीं होगा जिसने इसने काम किया, अपने इदारे के साथ उसने निभाया, अपना सिर दे दिया, शहीद हो गया लेकिन पीछे नहीं हटा। तो आप रहे हैं, आप तो उनके ज़ाहिर ही आपके झूठी एफआईआर करके आपको जेल में डाला गया, कितना अर्सा जेल में थे? मैं तकरीबन 15-16 महीने थे। वो क्या एफआईआर थी? एफआईआर वो ड्यूटी, उसका आदमी एक मरा था, दूसरों ने अबरों ने मारा था, वो हमारे ऊपर कर दी गई, मेरे भाई आदि संगे उसके ऊपर, और रूप साहब ये उसके ऊपर और मेरे ऊपर एफआईआर करा दी। मैं जेल में गिरफ्तार किया, मेरे घर पे रेड की, तकरीबन 40-50 गाड़ियाँ थी, रेड की, हमें पकड़ के ले गए, मेरा अपना लहसुन का पिस्टल मुझे ऊपर लगा के मेरे को जेल भेज दिया, और ये मर्डर के केस में। तो क्या ये इस दौर में इतना बड़ा सहाफ़ी, उनको इंसाफ न मिला, कोर्टों ने इंसाफ नहीं दिया, वो खुद अपने अटैक में मर गए, बाकी इंसाफ नहीं मिला, तो ये क्या है? नहीं, वो जालम है, वडेरों का हुकूमत है वडेरों की, और ये क्या करेंगे जज या कोई भी जो इदारा क्या करेगा, उनके साथ जुल्म हुआ, गरीब हुआ, सहाफ़ी क्या करेगा, उनको मार दिया, शहीद कर दिया, किसी का बस नहीं चल रहा था, कोर्टें कुछ नहीं कर रही थी। हम तो देखो, हम साथ थे ना, हाथी मुजीब रहमान में हम सब कटे थे, लेकिन हमें जेल भेज दिया, लड़का शहीद हमारा हुआ, शहीद मुनीर, और हमें जेल भेज दिया, तकरीबन 15-16 महीने हम जेल में रहे। तो मुजीब कैसे फौत हुआ? मुजीब तो इस पुलिस के जुल्म से दो बार उनको मगश ने जेल भेज दिया। हाँ, तो ये असल में मसला था, ये होटल का, और उसने केस किया था, पहले एक पेट्रोल पंप जाली चल रहा था उधर लड़काने में, तो उसी के ऊपर केस किया था मुजीब रहमान ने, उन सब ने मना किया उसको, तो भाई हाथ निकालो केस से, उसने बोला मैं हाथ नहीं निकालूंगा कभी कुछ हो जाए, तो ये सब उसी की वजह से ये मसला हुआ। और होटल था मुजीब का, भाई मुजीब रहमान का होटल था, तो स्टेशन रोड के ऊपर होटल था भाई मुजीब का, वो होटल जो है ना उन्होंने कब्ज़ा जो है लेके उनको गिरफ़्तार किया, भाई मुजीब को एफआईआर की, उसके ड्यूटी के ऊपर कांग्रेस था एसपी, उसने करके उसको माजूर था भाई मुजीब रहमान, और शहीद का फरियादी था, उसी वजह से सब ये जो उनको पहले तो बहुत गुस्सा था,
तो उसको मुरी ब्राह्मण को जेल भेज दिया यार, वो माजूर आदमी को जेल भेज दिया, होटल उसका हर चीज़ उसकी, उसको जेल भेज दिया। फिर उस जुल्म से वो इस्लामाबाद चला गया, वो इधर से छोड़ के इस्लामाबाद चला गया, फिर उधर को अटैक हुआ, अटैक उसको हुआ समझे ना, वो इधर इधर से अपना घर का बेच के हर चीज़ बेच के चला गया, तो इधर से चला जाऊँगी पुलिस के जुल्म से, पुलिस के सिर्फ पुलिस के जुल्म से। उधर उसने इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में केस किया वही होटल का, अभी वो चल रहा है, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी जो है ना उनके साथ बहुत जुल्म हुआ, मुझे ब्रह्मा अटैक उधर आई ऐसे चला गया। और इतना केस लड़ा शहीद का और बड़ा बहादुर बंदा था, बिल्कुल केस लड़ा, वही तो बात मुजीब रहमान केस लड़ रहा था, हम तो जेल में थे, हम क्या करें भाई, हाथी बिदर नहीं था बेचारा, वो बदल कराची रहता था, उनके ऊपर पोस्ट कर दिया मर्डर के केस में। ऐसा जुल्म थोड़ी होता है, ये जुल्म है, बड़ेरों का जुल्म है, बड़ेरों की भाषा ही है, कैसे करें, फिर सब पूरी दुनिया उनके तरफ थी, हम गरीब थे, इस वजह से सारे लड़का ना छोड़ के चले गए, बिल्कुल छोड़ गए हम, सब छोड़ गए लड़का, क्या करें हम, लड़का रहते तो हमारे ऊपर दूसरे केस लगा दे, लगे पे जान नहीं छुड़ा सकते, तो छोड़ के चले जाए कराची। अभी मैं भी इधर नौकरी करता हूँ भाई, आदि इधर रहता है, उसके बेटे हमारे भाई के बेटे सब इधर रहते हैं, क्या करें, अपने घर छोड़े, असली गाँव छोड़ा।